हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 13 जिसका नाम है एनीस मिस एडवेंचर। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनी कौन है? एनी एक गर्ल का नाम है। एनी बेसिकली अपने लुक को देखकर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील करती है, ठीक है। कहने का मतलब जो एनी है, शुरू शुरू में इसके जो हेयर होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, लेकिन कहीं से ये जो हेयर डाई होता है वो ख़रीदती है और वो अपने बालों पर अप्लाई करती है, जिससे कि उसका जो बालों का कलर होता है ना वो ग्रीन हो जाता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा वो अपने आप को सेम महसूस करने लगती है या अपने आप को लेकर इनसिक्योर महसूस करने लगती है। वो सोचती है कि मेरे जो बाल हैं उसके कलर क्या हो गए हैं, ग्रीन कलर हो गए हैं, तो मैं कैसे स्कूल जाऊँगी और कैसे मैं लोगों के सामने जाकर खड़ी होंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो अपने मन में सोचती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो लोग होते हैं ना वो अपने फेस को लेकर, अपने लुक को लेकर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। लोग दूसरे लोगों पर जो अच्छा नहीं देखते हैं, ठीक है, जो गोरे नहीं होते हैं या हम बोल सकते हैं कुछ डार्क होते हैं, तो उनके क्या करते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं दूसरे लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। हम जैसे भी हैं परफेक्ट हैं, जैसे भी हम लोगों को भगवान ने बनाया है अच्छा बनाया है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, जैसे देखिए, रीड दिस स्टोरी ऑफ एनी सैरली। एनी सैरली क्या है? एक लड़की का नाम है। ये कौन है? अ स्मार्ट एंड इमेजिनेटिव यंग गर्ल हु डज नॉट लाइक हर सॉक ऑफ रेड हेयर। ये शुरू शुरू में क्या होती है, अपने रेड बालों को लेकर ये बिल्कुल भी सिक्योर फील नहीं करती है। इसको बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि इसके जो बाल होते हैं ना रेड कलर के होते हैं। हर फ्रैकल्स एंड थिन फ्रेम, उसके फ्रैकल्स का मतलब होते हैं जो फेस पर धब्बा होते हैं ना, दाग धब्बे होते हैं, उसको लेकर भी वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा सोचती थी अपने आप को लेकर। बट लाइक सर नोज, लेकिन जो उसके नाक थे ना वो अपने नाक को बहुत पसंद करती थी, बाकी अपने फेस को, अपने हेयर को लेकर बहुत ही ज़्यादा वो परेशान रहती थी। एंड ऑर्फन एनी इज सेंट टू लिव विथ मरीला एंड मैथ्यू कथबर्ट। यानी जो एनी होती है ना उसके मम्मी पापा नहीं होते हैं, तो वो एक मरीला नाम कि हम बोल सकते हैं लेडी हैं, उनके पास वो जाने के लिए, रहने के लिए जाती है, ठीक है। द कथबर्ट आर सिबलिंग्स इन देयर 50s and 60s लिविंग इन ग्रीन गैबल्स। वो ग्रीन गैबल्स नाम की जगह पर रहते थे, ठीक है। मरीला और उनके साथ एक सिबलिंग थे, वो थे मैथ्यू। एनी इज़ अ फ्रेंड विथ डायना बेरी एंड बुलीड बाय जोसी पाई। एनी के दो फ्रेंड थे, पहले फ्रेंड का नाम होता है डायना बेरी और दूसरे फ्रेंड का नाम होता है जोसी पाई। जो जोसी पाई होता है ना वो क्या करता है, ये हमेशा एनी को परेशान करता है उसके लुक को देखकर। जब भी उसको देखता है उसको बुली करता है, मीन्स कि उसको परेशान करता है। चलिए देखते हैं। एज मरीला, मरीला कौन है? जिसके घर जो एनी है रहती थी, ठीक है। तो मरीला क्या होती है, उसकी एक तरह से ऑनर होती है। ऑनर का मतलब कि वो हम बोल सकते हैं कि बड़ी होती है एज में। सो एज मरीला वॉक्ड होम वन लेट अप्रैल इवनिंग, सी थॉट दैट इट वॉज रियली अ सेटिस्फैक्शन टू नो दैट सी वॉज गोइंग टू होम टू अ ब्रिस्कली स्नैपिंग वुड फायर एंड अ टेबल नाइसली स्प्रीड फॉर टी। मरीला जो होती है वो कहीं गई होती है अपने घर से बाहर, और अपने घर पर वो लौटती है। लौटते समय वो अपने दिमाग में सोचती है कि जैसे ही मैं घर पहुँचूंगी तो मुझे चाय पीने के लिए मिलेगा और टेबल पर ढेर सारी चीज़ें होंगी जो खाने के लिए हमें मिलेगा। इंस्टेड ऑफ दी कोल्ड कम्फर्ट फॉर इवनिंग्स बिफोर, एनी हैड कम टू ग्रीन गैबल्स। अब क्या हो गया, जो हम बोल सकते हैं मरीला थी वो काफ़ी अच्छे से सोच रही थी अपने दिमाग में कि जब मैं इवनिंग को, मतलब शाम को पहुँचूँगी तो क्या होगा, मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें मिलेंगी खाने के लिए, मुझे चाय वगैरह बना बनाया मिलेगा जो कि एनी बनाकर रखी होगी। और वो सोचती है जो एनी है हमसे पहले घर पर पहुँची होगी और सारी तैयारियाँ पूरी कर चुकी होगी। Consequently, when Marilla entered her kitchen and found her fire extinguished with no sign of any anywhere, जैसे ही मरीला जो होती है अपने घर पहुंचती है, किचन में जाती है और देखती है कि देखते हैं चाय वगैरह बना है कि नहीं बना है। जैसे ही वो जाती है देखती है वहाँ पर कुछ भी चाय वगैरह नहीं बना होता है, कुछ भी चीज़ें नहीं होती है, ना ही वो एनी वहाँ पर मिलती है। She felt justly disappointed and irritated. जैसे ये देखती है कि अरे चाय नहीं बना है, वो इतने दूर से आई है, तो इरिटेटेड हो जाती है, काफ़ी परेशान हो जाती है और निराश हो जाती है, डिसअपॉइंटेड हो जाती है। सी हैड टोल्ड एनी टू हैव टी रेडी एट 5 o'clock। उसने पहले ही एनी को बोल रखा था कि जब मैं 5 बजे आऊँगी घर पर तो तुम मेरे लिए चाय बनाकर रेडी रखना।
बट नाउ शी मस्ट हरी टू टेक ऑफ हर सेकेंड बेस्ट ड्रेस एंड प्रिपेयर द मील हरसेल्फ बिफोर मैथ्यू रिटर्न। लेकिन अब जैसे कि वो हेल्प एक्सपेक्ट कर रही थी एनी से, तो अब क्या करना होता है, वो परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि चलो अब एनी तो चाय पिलाए नहीं, अब लगता है मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो वो क्या करती है, अपने ड्रेस को निकालती है मरीला, ठीक है, और वो फिर से किचन में लग जाती है, अपने काम को करने लगती है। वो सोचती है कि जो मैथ्यू है वो कहीं वापस ना जाए जल्दी, क्योंकि जब वो आएगा तो वो चाय पीता है, ठीक है। मिस एनी बेटर एक्सप्लेन हरसेल्फ व्हेन शी कम होम, सेड मरीला ग्रिमली। अब क्या होता है, जो मिस एनी होती है वो अपने आप को समझाती है, अपने बालों को लेकर समझाती है, वो कहीं एक रूम में बैठी हुई रहती है, ठीक है, हमें आगे पता चलेगा। मैथ्यू हैड कम इन एंड वॉज सिटिंग वेटिंग पेशेंटली फॉर हिज टी इन हिज कॉर्नर। अब क्या होता है, जो मैथ्यू होते हैं वो वापस आ जाते हैं घर और वो वेट करने लगते हैं चाय के लिए बैठ कर। सी गाइडिंग अबाउट सम वेयर विद डायना, राइटिंग स्टोरी और प्रैक्टिसिंग डायलॉग और सम सच टर्म फुलरली। मीन्स कि जो मैथ्यू होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ डायलॉग वगैरह सीखते हैं, कुछ राइटिंग वगैरह उनकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वो करके क्या करते हैं, निपट के पूरे से अच्छे से घर आते हैं, ठीक है, और वो चाय के लिए वेट करने लगते हैं। एंड नेवर थिंकिंग वंस अबाउट द टाइम ऑफ हर ड्यूटीज, शी जस्ट गो टू पुल अप शॉर्ट एंड सडन ऑन दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अब क्या होता है, जो मरीला होती है सोचने लगती है कि अरे यार, मतलब कि इसको, इस ऐसी लड़की है, इसको पता नहीं रहता कब किस टाइम पे क्या बनाना है, क्या नहीं करना है, वो हमेशा गायब रहती है, पता नहीं उसके साथ क्या हो गया, ऐसा सोच रही थी मरीला, ठीक है, किसके बारे में, एनी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। सी मे बी ब्राइट एंड स्वीट इनफ बट हर हेड इज फुल ऑफ नॉनसेंस एंड देयर इज नेवर एनी नोइंग व्हाट शेप इट विल ब्रेक आउट इन नेक्स्ट। अभी सोचती है मरीला कि मुझे पता नहीं, वो जहाँ भी होगी अच्छी होगी, ठीक है, और उसके जो दिमाग है फुल ऑफ नॉनसेंस, फुल ऑफ नॉनसेंस का मतलब होता है कि एक्चुअली में पूरी तरह से बेवकूफ़ी भर गया है उसके दिमाग में, और वो सोच नहीं पा रही है कि कब क्या करना है, और मेरी बातों को बिल्कुल भी नहीं मान रही है। सी हैज़ नो बिजनेस टू लीव द हाउस लाइक दिस, यानी उसके पास कोई दूसरा काम ही नहीं होता है घर छोड़ने के बजाय, ठीक है, वो घर छोड़ के बाहर ही रहती है, कभी कभार इस रूम में उस रूम में रहती है, बट कोई भी काम नहीं करती है। When I told her she was to stay home this afternoon and look after things, मैंने पहले ही उसको बोला था कि उसको आज के दोपहर घर पे रहना है और सारी चीज़ों की देखभाल करना है, बट उसने भी ये सारी चीज़ें ढंग से नहीं किया है। It was dark when supper was ready. अब क्या हो गया, अब देर हो गई थी, मतलब कि शाम हो गया था, और जो मरीला थी अपने खुद से खाना बना चुकी थी। एंड स्टिल नो साइन ऑफ एनी, अभी भी जो एनी थी वो नहीं दिख रही थी कहीं पर घर पर, और वे वेट कर रही थी, कौन, मरीला वेट कर रही थी कि एनी कब आएगी। कमिंग हरडली ओवर द लॉज ब्रिज, ब्रिदलेस एंड रिपेंटेंट विद अ सेंस ऑफ निगलेक्टेड ड्यूटीज, मरीला वॉस्ड एंड पुट अवे द डिशेज ग्रिमली। अब क्या होता है, जितने भी खाना वगैरह बनाई हुई थी मरीला, वो क्या करती है, एक्चुअली अपने खुद से वो सारी चीज़ों को रखती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें ड्यूटी अपनी करती है, और मरीला जो होता है वो क्या करती है, सारी चीज़ें जो बर्तन वगैरह होता है उसको धुल के क्या करती है, वो रेडी कर लेती है, ठीक है। देन वॉन्टिंग अ कैंडल, अब वो फिर क्या करती है, एक कैंडल उठाती है और उसको जलाती है। सी वेंट टू एनी रूम्स फॉर वन दैट जनरली स्टूड ऑन हर टेबल। अब क्या होती है, अब जो मरीला होती है वो एक कैंडल को जलाकर अब एनी के रूम में जाती है, ठीक है, और वहाँ पे एक टेबल पर उस कैंडल को रखती है, या वो उस कैंडल जो होता है ना वो उसके हाथ में ही होता है, ठीक है, जलता हुआ, लाइटिंग इट। सी टर्न अराउंड टू सी एनी हर्सेल्फ लाइंग ऑन बेड। अब वो क्या करती है, वो जाती है बेड के पास एनी के, वो सोचती है कि अगर कहीं गांव, मतलब पूरे हम बोल सकते हैं पूरे घर में नहीं मिल रही है, तो हो सकता है ये बेड पर सोई हो, फेस डाउनवर्ड अमॉन्ग द पिलो। तभी देखती है जो एनी होती है वो अपने फेस को नीचे करके, ठीक है, बैठी हुई रहती है। मर्सी ऑन हर्स सेड द एस्टोनिस्ट मरीला, हैव यू बीन स्लीप एनी। तो इसके पास से मरीला जो होती है वो पूछते है क्या तुम सो गई हो, तो वो जवाब देती है एनी नो, वॉज द मफल्ड रिप्ले, मतलब कि बहुत ही वो ऐसा बोल रही थी, कितना ज़्यादा दुख है उसको, कितने ज़्यादा वो परेशान है, ठीक है। आर यू सिक देन, डिमांडेड मरीला अनएक्सेसली गोइंग ओवर टू द बेड। अब बेड पर जाकर के मरीला जो होती है वो पूछती है एनी से, क्या तुम बताओ, क्या तुम बीमार हो, क्या नहीं बोल रही हो। एनी कवर्ड डीपर इनटू हर पिलो एज इफ डिजायरियस ऑफ हाइडिंग हरसेल्फ फॉर यू। अब क्या करती है, जो एनी होती है वो अपने आप को पिलो से क्या करती है, वो ढकती है, हाइड करती है, ठीक है। नो बट प्लीज़ मरीला गो अवे एंड डोंट लुक एट मी, इसके बाद से एनी जवाब देती है मरीला,
तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे मत देखो। आई मीन द डेप्थ ऑफ डिस्पेयर एंड आई डोंट केयर हु गेट्स अहेड इन क्लास और आई द बेस्ट कंपोजिशन और साइन इन द स्टडी स्कूल क्वायर एंड एनिमोर। तो वो एनी कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझसे मुझे किसी से मतलब नहीं है, कौन क्लास में फर्स्ट आ रहा है, कौन बेस्ट कंपटीशन में जीत रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। लिटिल थिंग्स लाइक दैट आर नो इम्पोर्टेंस नाउ बिकॉज आई डोंट सपोज आई विल एवर बी एबल टू गो एनी वेयर अगेन। कहती हैं कि ये सारे छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, क्लास में कंपटीशन जीतना, ये सारी चीज़ें करना, ये मेरे लिए अब इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैं अब कभी भी घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ। ऐसा वो कहती है किसे, मरीला से। माय कैरियर इज़ क्लोज्ड, वो कहती है मेरी जो कैरियर है वो पूरी तरह से क्लोज्ड हो चुकी है। मरीला गो अवे एंड डोंट लुक एट मी, कहती है मरीला तुम अब यहाँ से चली जाओ और मुझे मत देखो। एनी सैडली व्हाट एवर इज मैटर विद यू, व्हाट हैव यू डन, जिसके बाद से फिर से पूछती है मरीला, अच्छा तुम बताओ तुमने अपने साथ किया क्या है, हुआ क्या है, बताओगी तब ना पता चलेगा मुझे। गेट राइट अप दिस मिनट एंड टेल मी, वो कहती है अब तुम उठो और मुझे बताओ क्या हुआ है आखिर में तुम्हारे साथ, तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो। दिस मिनट आई से देयर नाउ, व्हाट इज इट, पूछती अभी तुरंत बताओ क्या हुआ है। एनी हैड स्लिड टू द फ्लोर इन डिस्पेयरिंग ओबीडियंस, लुक एट माई हेयर, मरीला सी विस्पर्ड। इसके बाद से थोड़ा सा वो खिसक कर ठीक है फ्लोर पे वो कहती है कि मेरे बालों को देखो, मेरे बालों को क्या हो गया है। अकॉर्डिंगली मरीला लिफ्टेड हर कैंडल्स एंड लुक क्लोजली एट हैनी हेयर, अब क्या करती है जो मरीला होती है वो अपने कैंडल्स को यानी मोमबत्ती को उठाती है, जलते हुए मोमबत्ती को, और इसके बालों के पास ले जाती है देखने के लिए आखिर में इसके बालों के साथ हुआ क्या है। अकॉर्डिंग टू मरीला लिफ्टेड हर कैंडल्स एंड लुक क्लोजली एट एनी सीयर यू सर्टनली हैड अ वेरी स्ट्रेंज अपीयरेंस, जैसे ही मरीला जो होती है बालों को देखती है एनी के, तो वो काफ़ी स्ट्रेंज यानी अजीब दिखती है। एनी सीयरली व्हाट हैव यू डन टू योर हेयर, व्हाइट स्क्रीन, इसके बाद से मरीला पूछती है अरे तुमने अपने बालों के साथ क्या किया है, ये ग्रीन क्यों दिख रहा है, ये हरा क्यों दिख रहा है। इट वॉज ए क्यूर डल ब्रॉन्जी ग्रीन, ये बहुत ही ज़्यादा भद्दा बुरा दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है। विथ स्ट्रिक हेयर एंड देयर ऑफ ओरिजिनल रेड, तुम्हारा जो ओरिजिनल कलर रेड था वो क्या हुआ, आखिर में की क्या हो तुम अपने बालों के साथ। नेवर इन ऑल हर लाइफ हैड मरीला सीन एनीथिंग सो अफुल एज एनी हेयर एट दैट मोमेंट, यानी उस समय जो मरीला थी उसने कभी भी उतना बुरा सा चीज या उतना बुरा सा जो लुक होता है कभी भी नहीं देखा था किसी को, मतलब कि जिस तरह उसके बाल दिख रहे थे। येस इट्स ग्रीन मोंड एनी, एनी कहती है हाँ ये ग्रीन हो गया है, हरा हो गया है मेरे जो हेयर हैं। आई थॉट नथिंग कुड बी एज बैड एज रेड हेयर, तो कहती है कि मुझे पता था कि जो मेरे रेड हेयर थे वो बहुत ही बुरा था और रेड हेयर मुझे पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना मैं ब्लैक कर लेती हूँ, अपने बालों का जो कलर है वो मैं चेंज कर लूँ। बट नाउ आई नो इट्स 10 times वर्स टू हैव ग्रीन हेयर, बट मुझे और भी बेकार लग रहा है, और भी बुरा लग रहा है, ठीक है, जब से ग्रीन हेयर यानी जब से मैंने ग्रीन डाई कर लिया, जब से मेरे जो बाल हैं हेयर हैं वो ग्रीन चेंज हो गए हैं। ओ मरीला यू लिटिल नो हाउ अटरली रेस्ट आई एम, इसके बाद वो कहते हैं कि देखो तू मरीला मैं कितनी ज़्यादा बुरी हूँ, ठीक है। अटरली रेस्ट का मतलब होता है, देखते हैं आप नीचे, होता है रियली अनहैप्पी, वो कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी हूँ, ना खुश हूँ, ठीक है। अ लिटिल नो हाउ गॉट इन टू दिस फिक्स बट आई मीन टू फाइंड आउट सर मरीला, मरीला कहती है अच्छा चलो ठीक है ये तो हो गया, बताओ ये कैसे ठीक हो सकते हैं, कैसे तुम्हारा बाल पिछली बार की तरह हो सकता है। कम राइट डाउन टू द किचन इट्स टू कोल्ड अप हियर, कहती है चलो ठीक है मैं तुम्हारे बालों के साथ कुछ करती हूँ, चलो किचन में आओ एंड टेल मी जस्ट व्हाट यू हैव डन, और तुम मुझे बताओ कि तुमने अपने बालों के साथ किया क्या है। आई हैव बीन एक्सपेक्टिंग समथिंग क्यूट फॉर सम टाइम्स, यू हैवन गॉट इन टू द स्क्रैप फॉर ओवर 2 months, वो कहती है कि तुम्हारे बालों के साथ कुछ अजीब हुआ है और तुमने अपने बालों को अभी तक 2 महीने हो गए शायद रगड़ कर नहीं धोया है, ठीक। तो वो पूछती है कि अच्छा बताओ तुमने अपने बालों के साथ किया क्या है, तो वो कहती है आई डाइड इट, डाइड का मतलब होता है कलर करना, तो वो कहती है मैंने अपने बालों को कलर किया था। डाइड इट, डाइड योर हेयर, एनी सडनली डिड यू नो इट वॉज अ वीक थिंग्स टू डू, क्या तुम्हें पता नहीं है कि बालों को कलर करना बहुत ही बुरी काम होती है, बहुत ही बुरी चीज़ होती है। येस आई न्यू इट वॉज अ लिटिल वीक एडमिटेड एनी, इसके बाद से कहती है एनी कि हाँ मैं मानती हूँ कि ये काम जो होता है बालों को कलर करना, डाई करना, ये बहुत ही बुरी बात होती है, बट आई थॉट इट वॉज वर्थ वाइल टू बी अ लिटिल वीक टू गेट राइड ऑफ रेड हेयर, वो कहती है
कि ये बुरी चीज़ है, लेकिन मेरा जो रेड कलर का जो हेयर था ना वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोच रहा था कि उससे अच्छा है कि मैं रेड कलर से अपना चेंज करवा लूँ, किसी दूसरे कलर में बाल कर लूँ। बिसाइड आई मीन टू बी एक्स्ट्रा गुड इन अदर वेज टू मेक अप फॉर इट। और मैं सोच रही थी कि मैं कुछ एक्स्ट्रा अच्छा दिखूंगी, ठीक है, अगर मैंने अपने बालों को कलर कर लिया। वेल सैड मरिला सार्कास्टिकली। मरिला जो होती है वो कहती है ठीक है जो तुमने किया, चलो ठीक है हो गया वो। इफ़ आई वुड डिसाइडेड इट वॉज वर्थ वाइल टू डाई माई हेयर आई वुड हैव डाइड इट अ डिसेंट कलर एट लीस्ट। इसके बाद मरिला कहती है अच्छा बताओ अगर डाई करने से मेरे जो बाल होते पहले सही हो गए होते हैं तो मैं भी डाई कर लेती जो तुम डाई की हो, ठीक है। आई वुडंट हैव डाइड इट ग्रीन। तो वो कहती है कि मैंने इसको ग्रीन नहीं डाई किया था, मेरे जो हेयर हैं उसको मैंने ग्रीन कलर का डाई नहीं किया था। बट आई डिडंट मीन टू बी डाई इट ग्रीन। मरिला प्रोटेस्ट एनी डिजेक्टेडली। वो कहती है कि नहीं मैं ग्रीन तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन ही सेड इट वुड टर्न माई हेयर अ ब्यूटीफुल रेवन ब्लैक। हाउ कुड आई डाउट दिस वर्ड मरिला। इसके बाद वो कहती है अच्छा तुम ग्रीन नहीं करना चाहती थी तो आखिर में ग्रीन कैसे हो गया तुम्हारे हेयर। हु सेड दिस, हुम आर यू टॉकिंग अबाउट। तो वो पूछती है मरिला अच्छा बताओ कौन कहा था कि तुम्हारे ब्लैक हो जाएंगे, मतलब दूसरे कलर हो जाएंगे, तुम किसके बारे में बातें कर रही हो। द पेडलर दैट वॉज हियर दिस आफ्टरनून आई बॉट द डाई फ्रॉम हिम। इसके बाद वो कहती है कि एक फेरी लगाने वाला एक था, वो बेच रहा था डाई कलर, ठीक है, डाई करने वाला, और मैंने उससे ख़रीदा आज दोपहर में। एनी सडनली हाउ ऑफ्टन आई हैव टोल्ड यू नेवर टू लेट वन ऑफ दोज इटालियंस इन द हाउस। इसके बाद से जो हम बोल सकते हैं जो मरिला होते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें 100 बार मना किया है कि जो इटालियंस होते हैं जो वो बेचने आते हैं फेरी लगा के जो गलियों में बेचते हैं उनसे कभी भी कोई भी सामान मत खरीदा करो। आई डोंट बिलीव इन इनक्रेजिंग देम टू कम अराउंड एट ऑल। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वो जब इधर आते हैं कुछ बेचने के लिए और इधर फेरी लगाते हैं। वाई डिडंट लेट हिम इन द हाउस आई रिमेंबर वॉट यू टोल्ड मी। तो इसके बाद सैनी कहती है कि नहीं नहीं मैंने तो उनको घर में आने नहीं दिया, मुझे पता था जो भी तुमने कहा था मुझे याद था वो चीज़ें। एंड आई वेंट आउट केयरफुली एट द डोर। और मैं खुद अपने घर के दरवाजे को बंद करके उसके पास गई थी खरीदने के लिए। एंड लुक्ड एट दिस थिंग्स ऑन द स्टेप बिसाइड ही वॉजंट एन इटालियन ही वॉज जर्मन ज्यू। तो वो कहती है कि वो आप इटालियन कह रही हो ना, वो इटालियन नहीं था जो बेच रहा था, ठीक है, वो जर्मन था। ही हैड अ बिग बॉक्स फुल ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। उसके पास बड़ा सा बॉक्स था और उसमें ढेर सारे सामान थे, इंटरेस्टिंग सामान थे। एंड ही टोल्ड मी ही वॉज वर्किंग हार्ड टू मेक इनफ मनी टू ब्रिंग हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन आउट ऑफ जर्मनी। और वो कहती है यानी कि मुझसे वो बेचने वाला बता रहा था कि एक्चुअली में वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है अपने फैमिली को जर्मनी से बाहर ले जाने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। आई वॉन्टेड टू बाई समथिंग फ्राम यू टू हेल्प इन सच अ वर्थी ऑब्जेक्ट। और इसलिए मैं उससे कुछ सामान खरीद कर उसका हेल्प करना चाहती थी। देन ऑल एट वंस आई सॉ द बॉटल ऑफ हेयर डाई। तभी मैंने एक बॉटल देखा डाई करने वाला। द पेडलर सेड इट वॉज ग्रांटेड टू यू डाई एनी हेयर अ ब्यूटीफुल रेवन ब्लैक। उसके बाद से उस जो बेच रहा था उसने कहा कि अगर तुम इस डाई को अपने हेयर में लगाते हो तो आपका जो हेयर है ना वो पूरी तरह से प्योर ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, एंड वुडंट वॉश ऑफ इन अ थ्रीस। और तुम कितनी भी बार इसको धुलोगी वो ब्लैक का ब्लैक ही रहेगा। आई सॉ माय सेल्फ विद ब्यूटीफुल रेवन ब्लैक हेयर एंड द टेम्पटेशन वॉज इरेस्टिबल। वो कहती है तभी मैंने अपने मन में सोचा कि जो मेरे बाल हैं अगर ब्लैक कलर के हो जाएं जो मेरे हेयर हैं तो मैं और भी अच्छी लगूंगी। बट द प्राइस ऑफ द बॉटल वॉज 75 सेंट्स। लेकिन जो पैसे थे लिखा हुआ जो पैसे था, ठीक है, उस प्राइस था उस बॉटल को ख़रीदने के लिए वो था 75 सेंट था, बट मेरे पास सिर्फ 50 सेंट थे। आई थिंक द पेडलर हैड अ वेरी काइंड हार्ट। और मैंने सोचा कि जो पेडलर है ना वो बहुत ही काइंड हार्ट है, बहुत ही दयालु इंसान है। फॉर ही सेड दैट सीइंग इट वॉज मी ही वुड सेल इट फॉर 50 सेंट्स एंड दैट वॉज जस्ट गिविंग इट अवे। इसके बाद से उसने कहा कि अगर तुम ये डाई खरीद रही हो तो मैं तुमको सिर्फ इसको 50 सेंट में ही दे सकता हूँ। सो आई बॉट इट। इसके बाद से वो लड़की कहती है नहीं इसलिए मैंने इसको खरीद लिया। एंड एज सुन एज ही हैड गॉन आई कम अप हियर एंड अप्लाइड इट विद एन ओल्ड हेयर ब्रश एज द डायरेक्शन सेड। इसलिए तब क्या कि मैंने उस डाई को लेकर आई और मैं पुराने मेरे पास एक ब्रश था उस ब्रश से मैंने अप्लाई कर लिया पूरे अपने बालों पे हेयर पर वो जो डाई था कलर था। आई यूज अप द होल बॉटल और मैंने पूरे बॉटल को यूज कर लिया। एंड वो मरिला व्हेन आई सॉ अ ड्रेडफुल कलर इट टर्न माय हेयर आई रिपेंटेड अ बीइंग विक्ड।
जैसे ही मैंने देखा जो मेरे बालों का कलर ग्रीन हो गया तो मैं बहुत ज़्यादा पछतावा कर रही थी। आई कैन टेल यू एंड आई हैव बीन रिपेंटिंग ओवर सिंस, और मैं अभी तक मुझे पछतावा हो रहा है वो डाई लगा कर। वेल आई होप यू विल रिपेंट टू गुड पर्पज, सेड मरिल्ला सर्वरली। इसके बाद से वो कहती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर पछतावा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड दैट यू हैव गॉट योर आइज ओपन टू वेयर योर वैनिटी हैड लेड यू। और इसके बाद से वो कहती है कि चलो ठीक है, तुमने गलती किया, लेकिन तुमने इस गलती को तुमने क्या किया एक्चुअली में, तुम्हें इस गलती से सीख भी मिली होगी, आज के बाद से तुम ऐसा काम नहीं करोगी मेरे ख्याल से। गुडनेस नो व्हाट्स टू बी डन, आई सपोज द फर्स्ट थिंग इज टू गिव योर हेयर अ गुड वॉशिंग एंड सी इफ दैट विल डू एनी गुड। इसके बाद से जो मरिल्ला होती है वो कहती है चलो ठीक है, अब देखते हैं भगवान की आगे क्या मर्जी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, तुम्हारे बालों को क्या करूँगी, वॉश ऑफ करूँगी, मतलब कि धुलूँगी इसको अच्छे से। अकॉर्डिंगली एनी वॉश्ड हर हेयर, इसके बाद से वो क्या करती है अपने बालों को धुलती है। एंड विगरसली विद सॉप एंड वाटर बट इट डिड नॉट गुड, मतलब ढेर सारे सॉप साबुन वगैरह लगाती है अपने हेयर में, तभी वो जो कलर होता है नहीं जाता है, नहीं उससे निकलता है वो। मरिल्ला व्हाट शैल आई डू, क्वेश्चन एनी इन टीयर्स। इसके बाद से रोते हुए एनी कहती है अच्छा मरिल्ला बताओ, अभी तो इतना धुलने के बाद या रगड़ने के बाद हेयर की कलर नहीं जा रही है, तो हमें आगे क्या करना चाहिए। आई कैन नेवर लिव दिस टाउन, और मैं अगर मेरा जो हेयर है इसी तरह से रहा मैं नहीं जी पाऊँगी। पीपल हैव प्रेटी वेल फॉरगेटेन माई ऑल मिस्टेक बट दे विल नेवर फॉरगेट दिस। वो कहती है कि जितने भी गलतियां मैंने आज तक लाइफ में की हैं लोग भूल सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस बालों के साथ हेयर के साथ मैं बाहर गई तो लोग कभी भी मुझे नहीं भूलेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। ओ मरिल्ला व्हाट ए टैंगल वी हैव व्हेन फर्स्ट वी प्रैक्टिस टू डिसीव, दिस इज पोएट्री बट इट्स ट्रू। एंड ओ हाउ जोसीपाई विल लाफ, मरिल्ला आई कांट फेस जोसीपाई। वो कहती है कि बताओ मरिल्ला, अगर मैं स्कूल जाती हूँ तो जो जोशी पाई है फ्रेंड मेरा, मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाएगा, मैं उसको कैसे फेस करूँगी। आई एम द अनहैप्पीएस्ट गर्ल इन द प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। और कहती है मैं सबसे ज़्यादा क्या हूँ, दुखी लड़की हूँ ये पूरे आइलैंड पे, मतलब कि यह प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एक जगह है, वहाँ पे कहती है मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस यहाँ पर। एनी अनहैप्पीनेस कंटिन्यू फॉर अ वीक, इसके बाद से एक हफ्ता तक वो क्या होती रही, जो एनी थी वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। ड्यूरिंग That time she went nowhere and shampooed her hair every day. इसके बाद से वो एक हफ्ते तक जो एनी थी कहीं भी नहीं गई थी अपने घर से निकल कर, और वो अपने बालों को डेली शैम्पू करती थी ताकि उसका जो कलर है डाई है वो निकल जाए। डायना एलोन एमोंग द आउटस्कर्ट्स न्यू द सेक्रेट, जो डायना नाम की एक दोस्त थी वो जानती थी सेक्रेट कि जो एनी का बाल है ना वो ग्रीन हो गया है। बस सी प्रोमिस सोलोमनी नेवर टू टेल, लेकिन वो कभी भी दूसरे से बताने के लिए प्रोमिस की थी, ठीक है, क्योंकि जो हम बोल सकते हैं एनी थी वो मना की थी। एंड इट मे बी स्टेटेड हियर एंड नाउ दैट सी केप हर वर्ड, और इसलिए वो किसी दूसरे से नहीं बताया और कोई भी नहीं जान पाया उसके बालों के बारे में, उसके हेयर के बारे में, बारों में कि उसके जो हेयर है ना वो उसके जो कलर थे वो ग्रीन हो गए हैं। एट द एंड ऑफ द वीक मरिल्ला सैड डिसाइडली इट्स नो यूज एनी दैट इज़ फास्ट डाई इफ यूर देयर वॉज एनी योर हेयर मस्ट बी कट ऑफ देयर इज़ नो अदर वे। इसके बाद से जो लास्ट में क्या होता है कि जो मरिल्ला होती है कहती है कि अब तुम्हारा जो बाल है उसको काटना पड़ेगा, बिना काटे भी ये डाई नहीं जाएगी, ठीक है। अब मे भी हो सकता है फिर से जो नया हेयर उगे यानी जो ग्रो होगा वो सही होगा, ठीक है, वो रियल होगा। ये जो डाई है बहुत ही फास्ट है, फास्ट डाई का मतलब ऐसा डाई जो कभी भी नहीं निकलता है। देर इज़ नो अदर वे यू कॉन्ट गो आउट विथ इट्स लुकिंग लाइक दैट। इसके बाद से हम बोल सकते हैं ये कहती है मरिल्ला कि तुम इस यानी इस बालों के साथ तुम बाहर नहीं जा सकती हो। एनी लिप्स क्यूट बट सी रियलाइज द बीटर ट्रूथ ऑफ मरिल्ला रिमार्क्स। इसके बाद से जो हम बोल सकते हैं ये लड़की है एनी, वो रोने लगती है और बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और सोचती है अरे यार मेरा तो बाल अब कटवाना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा इस बाल को ग्रो होने में, बट क्या करें उसके पास मजबूरी थी, सिर्फ वही एक रास्ता था तो वो उसी रास्ते पर चलना चाहती थी। विद ए डिसमेल साई सी वेंट फॉर अ सीजर्स। इसके बाद से किसी तरह से होते जाते वो मान जाती है और कहती है चलो ठीक है मेरे बालों को अब काट दो, हेयर कट कर दो, प्लीज़ कट इट ऑफ एट वंस मरिल्ला एंड हैव इट ओवर। इसके बाद से वो कहती है मरिल्ला तुम सिर्फ इसको एक बार काटो, ठीक है। ओ आई फील दैट माई हार्ट इज़ ब्रोकन, जैसे ही ये बाल कट रहे हैं मेरा ऐसा लग रहा है मेरा जो दिल है वो टूट रहा है, ठीक है। द गर्ल इज इन बुक्स लूज देयर हेयर इन द फीवर ऑफ सेल इट गो टू मैनी फॉर द सम गुड डीड्स एंड आई एम श्योर आई वुडेंट माइंड लूजिंग माई हेयर इन सम सच अ फैशन ऑफ सो मच।
इसके बाद ये कहती है कि मैंने एक स्टोरी पढ़ा है कि एक बुक में कि एक गर्ल होती है जो अपने उसके उसको बहुत ज़्यादा फीवर होता है, ठीक है, या उसको कुछ पैसे की ज़रूरत होती है तो अपने बालों क्या करती है, वो बेच देती है, लेकिन मेरा कोई भी शौक नहीं है इस तरह करने का। बट देयर इज़ नथिंग कम्फर्टिंग इन हैविंग योर हेयर कट ऑफ बिकॉज यू हैव डाइड इट अ ड्रेडफुल कलर्स। लेकिन जो एनी होती है वो कहती है कि मुझे कोई भी दुख नहीं है जो मेरे बाल कट रहे हैं क्योंकि मैंने इसको कलर कर दिया था और कोई भी मेरे पास रास्ता नहीं है। आई एम गोइंग टू वीप ऑल द टाइम यू आर कटिंग इट ऑफ इफ़ इट वॉन्ट इंटरफेयर इट सीम्स सच अ ट्रेजिक थिंग्स। उसके बाद से ये कहती है एनी कि चलो ठीक है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, दुख हो रहा है और मुझे मैं क्या करूँ, एक्चुअली में मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है और जब तक तुम बालों का काट रही हो तब तक मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा है और ये मेरे लिए एक ट्रेजिक थिंग्स है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी बहुत ही दुखद घटना है मेरे लिए। एनी वेप देन, इसके बाद से रोने लगती है एनी। बट लेटर ऑन व्हेन सी वेंट अप स्टेयर्स एंड लुक्ड इन द मिरर सी वाज काम विद डिसअपीयर। बट जैसे ही वो अपने ऊपर जाती है, ऊपर वाले रूम में जाती है सीढ़ियों से, तो वो अपने आप को एक शीशे में मिरर में देखती है और इसके बाद थोड़ा सा शांति महसूस करती है अपने आप को। ऐसा लगता है चलो ठीक है, कुछ तो सही हुआ पहले से। मरिला हैड डन वर्क थ्रूली एंड इट हैड बीन नेसेसरी टू कट द हेयर एज क्लोजली एज पॉसिबल। इसको जो मरिला थी वो जो बालों का काटना था वो बहुत ही ज़्यादा नीचे से काटी हुई थी ताकि उसके जो कोई भी कलर है वो दिखे ना बाहर। द रिजल्ट वॉज नॉट बिकमिंग टू पुट इट मिल्डली, मतलब कि जो रिजल्ट था ठीक है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था लेकिन वो थोड़ा सा सेटिस्फाई महसूस कर रही थी एनी। एनी प्रॉम्प्टली टर्न हर मिरर टू द वॉल। आई नेवर नेवर लुक एट माई सेल्फ अगेन अंटिल माई हेयर ग्रोज, सी एक्सक्लेम्ड पैशनेटली। शुरू शुरू में जब अपना फेस देखती है एनी मिरर में तो वो कहती है कि मैं आज के बाद से अपना जो फेस है कभी भी मिरर में या शीशे में नहीं देखूंगी, ठीक है। देन सी सडनली राइट द मिरर, येस आई विल टू। तभी क्या होता है, कुछ मन में सोचती है, उसके बाद से कहती है नहीं मैं अपने फेस को अब डेली देखूंगी, ठीक है। एंड आई विल लुक एट माई सेल्फ एवरी टाइम आई कम टू माई रूम एंड सी हाउ अगली आई एम। वो कहती है कि मैं जब भी अपने रूम में आऊँगी तो अपना फेस देखूंगा और देखूंगी अपने आप को मैं कितनी बुरी या भद्दी दिख रही हूँ। एंड आई वॉन्ट ट्राई टू इमेजिन इट अवे आइदर, आई नेवर थॉट इट वॉज वेन अबाउट माई हेयर। और वो कहती है जब भी मैं अपने आप को देखूंगी तो मैं अपने आप को बुरा फील नहीं करूंगी, ठीक है। ऑल द थिंग्स बट आई नो आई वॉज इन स्पाइट ऑफ इट्स बींग रेड बिकॉज इट वॉज सो लॉन्ग एंड थिक एंड कर्ली, आई एक्सपेक्ट समथिंग विल हैपन टू माई नोज नेक्स्ट। इसके बाद से कहती है जो मेरे बाल थे बहुत ही बड़े थे, घने थे, बट ये कट गए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत थी तो कट गया बट कोई बात नहीं है, हो सकता है फिर से आ जाए। बट वो कहती है अगर मेरे नोज के साथ ऐसा कुछ हुआ तो मैं क्या करूँगी, ऐसा कुछ वो अपने मन में सोचती है। एनी क्लिप्ड हेड मेड अ सेंसेशन इन स्कूल ऑन द फॉलोइंग मंडे बट टू हर रिलीफ नोबडी गेस्ड हर रियल रीजन फॉर इट। तभी क्या होता है, मंडे आता है और मंडे को वो स्कूल जाती है लेकिन कोई भी बच्चा स्टूडेंट उसको गेस नहीं कर पाता है कि क्या रीज़न है कि इसका जो बाल है वो कटे हुए हैं, नॉट इवन जोसीपाई, और जोसीपाई जो उसका फ्रेंड होता है वो भी नहीं कह पाता है कुछ। हु नेवर डिड नॉट फेल टू इन्फॉर्म एनी दैट ही लुक्ड लाइक अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन एक्चुअली में जो जोसीपाई था वो सोच रहा था उसके मन में कि जो ये एनी है ना वो स्क्वायर क्रो की तरह दिख रही है, ठीक है, एक पुतला की तरह दिख रही है। आई डिड नॉट से एनीथिंग व्हेन जेसी said that to me any confide that evening to Marilla who was laying on the sofa after one of her headaches because I thought it was a part of my punishment and ought to be bear it patiently. उसका जो दोस्त होता है ना जोसीपाई वो कहता है कि तुम एक स्केयर क्रो के जैसी दिख रही हो लेकिन जो होती है ना एनी वो माइंड नहीं करती उसकी बातों को वो एज अ पॉजिटिव लेती है क्योंकि वो सोचती है अगर मैंने कुछ गलत काम किया अपने हेयर के साथ तो मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इसमें कोई भी दुराय नहीं है और मैं इसे पेशेंटली सह लूँगी, बियर कर लूँगी, ठीक है। इट्स हार्ड टू बी अ टोल्ड यू टू लाइक योर स्कोर क्रो, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ, मरिला को कहती है कि मुझे जोसीपाई ने क्या कहा, स्केयर क्रो कहा एंड आई वॉन्टेड टू समथिंग बैक, लेकिन मैं उसे कुछ कहना चाहती थी ठीक है उसके बदले, बट आई डिडंट, लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बोला, आई जस्ट गिव हर ऑन दिस स्कॉर्नफुल लुक एंड देन आई फॉरगेट हर। तभी क्या हुआ, मैंने उसको देखा लेकिन मैंने उसको फिर से माफ़ कर दिया। आई मेक यू फील वेरी वर्चुअस व्हेन यू आर फॉरगिव पीपल, तो वो कहती है इट मेक्स यू फील वेरी वर्चुअस व्हेन यू आर फॉरगिव पीपल। वो सोचती है यानी कहती है कि जब आप किसी इंसान को
क्या करते हो, माफ़ कर देते हो, तो आप बहुत ही ज़्यादा क्या होते हो कि आप काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलता है, डजंट इट? क्या ऐसा नहीं होता है? आई मीन टू डिवोट ऑल माई एनर्जीज टू बींग गुड आफ्टर दिस, और मैंने अब मैं क्या करूँगी, सारे जो एनर्जी है मैं अच्छा बनने में लगाऊंगी, एंड आई शैल नेवर ट्राई टू बी ब्यूटीफुल अगेन, और मैं कभी भी अपने आप को खूबसूरत बनने की कोशिश नहीं करूँगी, जैसे भी हूँ मैं ठीक हूँ। ऑफ कोर्स इट्स बेटर टू बी गुड, आई नो इट्स, बट समटाइम इट्स सो हार्ड टू बिलीव अ थिंग इवन व्हेन यू आर नो इट। मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही हार्ड है अपने आप को मनाना कि आप किसी भी लुक को लेकर इनसिक्योर रहते हो, बट ये आपको करना ही होगा, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जैसे भी आप हो, अच्छे हो, परफेक्ट हो, हमें कुछ दूसरी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। आई डू रियली वॉन्ट टू बी ए गुड, मैं सिर्फ अच्छा बनना चाहती हूँ, सुंदर नहीं बनना चाहती हूँ। मरिल्ला लाइक यू एंड ग्रो अप टू बी अ क्रेडिट टू यू, मरिल्ला कहती है, वो कहती यानी कहती कि मरिल्ला मैं तुम्हारी जैसी बनना चाहती हूँ। डायना सेज व्हेन माय हेयर बिगिन टू ग्रो आई शुड टाई अ ब्लैक, इसके बाद से डायना कहती है कि अगर तुम्हारा बाल ग्रो होना शुरू कर देगा तो मैं क्या करूँगी, एक टाई से बांधूंगी, ठीक है, ब्लैक टाई से बांधूंगी, रिबन से बांधूंगी, बहुत ही अच्छा दिखेगा। राउंड माई हेड विद द बो एट वन साइड शी सेड द थिंग इट विल बी वेरी बिकमिंग, वो कहती है कि सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगेगी। बट आई एम टॉकिंग टू मच मरिल्ला, डज इट हर्ट योर हेड, इसके बाद से वो कहती है यानी कहती है कि मरिल्ला तुम्हारा जो सर दर्द हो रहा है तो क्या मैं इस तरह बातें कर रही हूँ तो तुमको पेन हो रहा है क्या? माई हेड इज़ बेटर नाउ, वो कहती है, एंड इट वॉज टेरिबल बैड दिस आफ्टरनून, और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे इस आज का दोपहर में, ठीक है, क्योंकि मेरे जो सर है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। दो दिस हेडेक ऑफ माइन आर गेटिंग वर्स एंड वर्स, और दोपहर में क्या हो रहा था, जो हेडेक था मेरे सर का वो बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था। एंड आई विल हैव टू सी अ डॉक्टर अबाउट दिम, और मैं मुझे अब डॉक्टर को दिखाना होगा शायद। एज फॉर योर चैटर आई डोंट नो दैट आई माइंड इट, और वो कहती है कि तुम्हें भी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा बात करती हो। आई माइंड इट आई गॉट सो यूज टू इट, वो कहती है मरिल्ला कि मैं तुम्हारी जो बातें हैं उसको सुनने के लिए मैं क्या हो गई हूँ, आदत सी हो गई है मुझे। विच वॉज मरिल्ला वे ऑफ सेइंग दैट इज लाइक टू हियर इट, वो इसके बाद से जो मरिल्ला कहती है कि मुझे तुम्हें सुनना या तुम्हारे बातों को सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस चैप्टर से हमें ये समझने को मिलता है कि आप जैसे भी हो, आप परफेक्ट हो, हमें दूसरे से कंपेरिजन नहीं करना है, ठीक है, या हमें सुंदर दिखने के लिए उठपटांग चीज़ें नहीं करनी है। अगर हम लोग सुंदर दिखने के लिए कुछ चीज़ें करते हैं तो वो हमारे साथ कभी कभार बहुत ही ज़्यादा बुरा भी हो जाता है। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।